नमास्मै साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित्तु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोवमं गदिं पत्ते पोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली वणिदम् वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम् वक्षे समय सारत्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकां। समय सार जी ग्रंथादिराज की आत्मख्याति टीका श्लोक नंबर 2 पेज नंबर 3। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर नित्यमेव प्रकाशितां। जिन वाणी को नमस्कार किया, शास्त्र को नमस्कार किया, वह जिन वाणी अनेकांतमयी मूर्ति है और उस जिन वाणी के आश्रय से जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है वो सम्यक ज्ञान भी अनेकांतमयी मूर्ति है। ये दोनों अनेकांतमयी मूर्ति क्यों है? क्योंकि वो अनेकांतमयी वस्तु को बताती है। तो अनेकांतमयी वस्तु है ये अनेकांत, और अनेकांतमयी वस्तु को बताती है ये भी अनेकांत, और इसको दूसरी भाषा में कहते हैं स्यादवाद, है ना। वैसे तो आत्मा अनेकांतमयी है तो ये अनेकांत ही है, लेकिन उस अनेकांतमयी वस्तु को स्यादवाद शैली में समझाती है। हालांकि स्यादवाद शैली में भी इसके भी कई रूप है, अपन वो आज देखेंगे। मूल में वस्तु अनेकांतमयी है, अर्थात अपने से पूर्ण है, और ऐसी पूर्ण वस्तु को, संपूर्ण वस्तु को जिनवाणी बताती है। इसलिए जिनवाणी भी अनेकांतमयी ही है, क्योंकि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा का वैसा वो पूरा वर्णन करती है। जो अन्य मत है उनमें सर्वज्ञ का अभाव होने से, आगे है अन्य मत में सर्वज्ञ का अभाव होने से वहां पर वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं देखा गया, तो वहां पर कल्पित जिसे जो समझ में आया वो मान लिया उसने। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इन्हीं अमृतचंद आचार्य देव ने, जो चरणानियोग का ग्रंथ कहा जाता है, एक उदाहरण दिया है। आपको याद है हाथी का उदाहरण दिया है, अब याद आ गया किसका उदाहरण दिया है? हाथी का उदाहरण। क्या हाथी का उदाहरण दिया है? कि कुछ व्यक्ति हैं और गांव के हैं, आदिवासी हैं, और वह पांचों ही व्यक्ति जन्म से अंधे हैं। कैसे हैं? जन्म से अंधे पांचों व्यक्ति, और उन अंधे व्यक्तियों से पूछा, बताओ हाथी कैसा है? तो एक व्यक्ति ने हाथी नाम से पहले कभी, सही है ये हाथी है बहुत बड़ा, अच्छा कैसा है देखो हाथी, तो किसी ने कहा देखो ये है, वो खड़ा था सूर के पास, तो उसने देखो ये हाथी है। एक और अंधा था, किसी ने बताया उसे, हाथी देखा है तुमने? अरे नहीं भैया हमने नहीं देखा, पूछ के पास खड़ा था, देखो हाथ लगाओ। एक और था, तुमने हाथी देखा है तुमने? तो बड़ा होता है, नहीं देखा, बताओ कैसा होता है? तुमने ऐसे पीठ के पास खड़ा तो ऐसे पीठ पे हाथ फिरवा दिया, एक से पैर पे हाथ,
तो बस उन पांचों से पूछा, तुमने हाथी देखा है? हाँ, लाइन से बोलो। हाँ, हाथी कैसा होता है? एक कह रहा है रस्सी जैसा, एक कह रहा है खंभे जैसा, एक कह रहा है दीवार जैसा, एक कह रहा है सूप जैसा। तो उनने एक एक चीज को देखा था, उसका अनुभव किया था। जब उनके ज्ञान में जो गे बना, तो हाथी कैसा है? अब देखो, हाथी तो एक पूरी वस्तु है, उसमें अनेक धर्म है। अनेक धर्म मतलब यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हो, पीठ धर्म भी है ना, पेट पीठ पीठ वो ऐसा, वो धर्म भी है, कान धर्म भी है, पूछ धर्म भी, पूछ नहीं, हाँ पूछ ही है, मूछ नहीं, मूछ बोलने वाले थे, पैर धर्म भी है। तो पूरा मिलकर एक सर्वांगीण, सर्वांग जिसमें है, जन्म से ही कैसे है सर्वांगीण, ऐसा वो हाथी होता है। लेकिन जन्मांत जो है उसे तो एक एक चीज ज्ञान में घी बनी सहज योग्यता से। ऐसा ही सुनो, आत्मा जीव कैसा है? पंचभूत से मिलके बना है। जीव कैसा है? नित्य ही है। जीव कैसा है? अनित्य ही है। जीव कैसा है? जो काला गोरा है, आंख नाक कान वाला, वही जीव है। जीव कैसा है? जो सुखी दुखी है, वही जीव है। तो जिसको जो दिखा, जो समझ में आया, जो गे बना, वही जीव है। ये जन्मांध, जन्मांध वो वहां पे, और ऐसे ये भी अनादि से ही अज्ञानी है। अज्ञानी मतलब अंधा। क्यों, तुम कैसे हो? भैया बहुत दुखी जीव है। लिख लो, मिथ्या एकांत। क्या है ये? मिथ्या एकांत है। क्यों, कौन हो तुम? जीव है। कैसे जीव हो? अरे बहुत ज्ञानी जीव है। लिख लो, मिथ्या एकांत। जो प्रकट छाव समी ज्ञान है, विशेष ज्ञान थोड़ा सा, गणित का, भौतिक का, डॉक्टरेट का, बही खातों का, राजगीर के तिली के लड्डू वड्डू बनाने का, तो वो भी कहती है चार महिलाओं में आई एम समथिंग। तुम क्या जाना गांव की? ज्ञानी हूँ। वो ज्ञान क्या अनुभव कर रहा है अपने को? मैं ज्ञानी हूँ। ये बिल्कुल सत्य बात है। थोड़ा सा अपनी रुचि लगी स्वाध्याय की, प्रथमान योग के ऐसे दो चार चीजें, ऐसे दृष्टांत करणानियों की चीजें ऐसे ज्ञान में आ गई, तो अपन भी दस लोगों के सामने जब बोलेंगे, बताएंगे, या प्रवचन में किसी के बैठे, तो ऐसा लगता है हम भी ज्ञानी है, हम भी ऐसा ऐसा लगना, ऐसा लगना ये मिथ्या एकांत है। क्यों, कैसे जीव हो, कौन हो तुम? अरे भैया क्या बताएं, परेशान है बहुत। तो कैसे जीव है? परेशान जीव। एक मुमुक्षु से पूछा, क्यों तुम कौन से जीव हो? सुंदर ध्यान से भी, ये अनंत गुण और आत्मा इसका बराबर निर्णय नहीं है। सुंदर ध्यान से, तुम कैसे जीव हो? अरे हम सुखी दुखी नहीं है, पत्नी बच्चों वाले नहीं है, कर्म वाले नहीं है, कर्मों से नहीं बंधे, हम तो सिर्फ जानने वाले हैं, जानने वाले। ये मिथ्या एकांत, एक जानने वाले ले लिया, उसमें भी यही विशेष पर्याय, जानने वाला। मैं सबको जानता हूँ, मैं जन्मता मरता भी नहीं हूँ, मैं तो बस मैं सबको जानता हूँ, जानने की ठेकेदारी मेरी है। मिथ्या एकांत, कुछ समझ में आ रहा है? मिथ्या एकांत। क्यों तुम कैसे जीव हो? पहले तो बहुत पापी जीव थे, जब से दस लक्षण से, फिर पंडित जी आए, फिर मंदिर में, फिर स्वाध्याय से जुड़ गए, फिर दर्शन पूजन पाठ, फिर अवक छोड़ दिए, रात्रि पूजन छोड़ दिया, बाजार का छोड़ दिया, अब हम धर्मात्मा जीव हैं। यहाँ पे कौन कौन धर्मात्मा जीव है? अरे अब यहाँ तो सब धर्मात्मा है। कैसे जीव है? धर्मात्मा जीव। ये जन्म का अंधा है। जन्म का अंधा मतलब अनादि से ही अज्ञानी, और अभी भी
अपने अनेकांत स्वभाव को जाने बिना, अनेकांत स्वभाव का मतलब द्रव्य गुण पर्याय, और जो अभी परिभाषा चली अनेकांत की, वस्तु में पाए जाने वाले परस्पर विरोधी धर्म युगल, अनेकांत की परिभाषा लिखी ग्रंथों में, सिद्धांत प्रवेशिका में, वस्तु में वस्तु पने को सिद्ध करने वाली, प्रसिद्ध करने वाली, वस्तु को वस्तु बनाए रखने वाली। अभी अभी सुन तो लो, पूरी हो जाए पहले, इसलिए तो बाद अधूरे शब्द निकलते हैं। वस्तु को वस्तु पने रूप बनाए रखने वाली, प्रसिद्ध करने वाली, परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, पाया जाना, उसको क्या कहते हैं? अनेकांत। वस्तु को वस्तु पने बनाए रखने वाली, निप जाने वाली शब्द लिखा है वहां पे, निप जाए जाने वाली, वस्तु में वस्तु पने को निप जाने वाली, परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ है प्रकाशित होना, कोई नित्य नित्य एक अनेक सत्य सत्य, उसको क्या कहते हैं? अनेकांत। एक ये परिभाषा हुई जो अपन लगभग चार पांच दिन से पढ़ रहे हैं, नित्य नित्य सत्य सत्य एक अनेक, ये क्या है? ये अनेकांत है। देखो अपन ने अभी तक दो धर्म युगल की चर्चा की, आज दो मिनट में दो की ओर चर्चा करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे, और आज अनेकांत शब्द का जो अर्थ है उसको आज वाइंड अप करेंगे। अनेकांत की पहली परिभाषा क्या बताई थी? अनेक का अर्थ जब दो किया जाए तो अंत शब्द का अर्थ क्या होगा? परस्पर विरुद्ध रहने वाले धर्म युगल। सुभाष चाचा जी क्या बोला? अनेक शब्द का अर्थ जब दो किया जाए, अनेक मतलब दो, दो होते ना एक से ज्यादा, एक नहीं है वो अनेक, अन प्लस एक, अनेक ऐसा, तो एक से अधिक मतलब कितने लेना है यहाँ पे? दो। तो अंत शब्द का अर्थ क्या है? देखो अंत शब्द का अर्थ है धर्म युगल, धर्म अंत शब्द का अर्थ, अंत शब्द मतलब उनका अंत हो गया, अंत हो गया मतलब यहाँ नहीं है अंत हो गया, यहाँ पे अंत मतलब धर्म, सत्य लिख लो, सत्य को अंत कहते हैं, असत को अंत कहते हैं, एक को अंत कहते हैं, अनेक को अंत कहते हैं, नित्य को अंत कहते हैं, अनित्य को अंत कहते हैं, अनित अंत मतलब एक अनेक, सत असत, नित्य अनित, तत असत, इसका नाम क्या है सबका? अंत। समझ आया? अंत, अंत शब्द का अर्थ है ना अनेकांत, अनेक अंत, समझ आया? तो अंत मतलब धर्म, और वस्तु में धर्म कैसे रहते हैं? जोड़े से, नित्य अनित्य एक अनेक सत असत, बराबर। अभी चिंतन नहीं करना, आपको बहुत सरल करेंगे, दूसरी परिभाषा और पढ़ाए तो आपको एकदम बिल्कुल ऐसा हो जाएगा मक्खन मलाई, एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी तक अपने दो धर्म युगल चले, पहला कौन सा चला था? नित्य अनित, कौन सा चला था? नित्य अनित, वस्तु कैसी है? वस्तु में नित्य अनित धर्म है, इसलिए वस्तु भी नित्य और अनित रूप है। लिख लो, द्रव और गुण और प्रदेशों से नित्य है और पर्याय से अनित है। क्यों है नित्य अनित्य? क्योंकि उसमें धर्म पाए जाते हैं। संत भाई साहब समझ में आ रहा है? वस्तु में दो धर्म है, इसलिए उन धर्मों से वस्तु कैसी है? नित्य अनित्य रूप। तो नित्य के किससे नित्य है? तीन चीज, द्रव्य अनंत गुण, और गुण में धर्म शक्ति भी ले लेना, जब गुण बोले तो उसमें धर्म और शक्ति गर्भित। अभी ये दूसरी वाली परिभाषा में खोलेंगे और विशेष। तो द्रव्य गुण ज्ञान स्वभाव और असंख्यात प्रदेश, जीव की तरफ से बात चल रही है, ये नित्य है कि अनित्य है? नित्य है। तो नित्य धर्म है, और इस नित्य धर्म से ये कैसे है? नित्य है।
तो कोई आत्मा में अनित्य भी चीज है कि नहीं, अनित्य बना भी है कि नहीं है। तो क्या अनित्य है? कि जो जो पर्याय है ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र की, वीर की, ये पर्याय कैसी है? ये अनित्य है। अब इन गुणों की जो पर्याय है, तो ज्ञान गुण की कौन सी पर्याय है अभी वर्तमान में विशेष में? अज्ञान। श्रद्धा गुण की मोह, चारित्र गुण की राग द्वेष, दुख या कसाय। तो ये पर्याय कैसी है? अनित्य। देखो भाव बदल रहे, भाव बदल रहे। तो ये अनित्यपना है पर्याय में, वो किसके कारण से है? क्योंकि वस्तु में एक अनित्य नाम का धर्म है। तो अनित्य धर्म से प्रति समय वस्तु में परिणमन होता है, दशाएं होती हैं, कार्य होते हैं, और वो प्रति समय बदलते हैं, बदलते हैं, बदलते हैं। चेंजेज होता है। क्या होता है? चेंजेज होता है, चेंजेज। क्लियर हुआ मुकेश भैया? पक्का हो गया? आत्मा में कितने धर्म है? दो, परस्पर विरुद्ध। कौन कौन से? नित्य और अनित्य। ये दोनों धर्म सदा रहते हैं, दोनों धर्म नित्य है। क्या कहा? नित्य धर्म भी नित्य है और अनित्य धर्म भी नित्य। का मतलब वो सदाकाल स्थायी रहता है। नित्य धर्म से क्या होता है? नित्य धर्म से जीव द्रव्य, अनंत गुण, ज्ञान स्वभाव, असंख्यात प्रदेश, ये सदाकाल रहते हैं, अस्थि रूप रहते हैं, इनकी सत्ता रहती है नित्य धर्म से। और अनित्य धर्म भी है, तो अनित्य धर्म से क्या होता है? प्रति समय पुरानी पर्याय का व्यय होता है, नई पर्याय का उत्पाद। लिख लो, आत्मा का उत्पाद व्यय क्या है? कि अज्ञान अज्ञान अज्ञान, मोह मोह मोह, राग द्वेष, राग राग, इसका राग उसका राग, ये नया नया राग उत्पन्न होना और पुराना राग नष्ट होना, ये उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। हो रहा कि नहीं हो रहा? ये कितने? एक एक। ये कितने? दो। तो एक जानने वाली पर्याय का व्यय और दो जानने वाली पर्याय का उत्पाद, ये कितने? तीन। ये दृष्टांत बताया, लेकिन हर समय ज्ञान की पर्याय नहीं, नहीं ये को जान रही है, नहीं नहीं ये को जान रही है। तो पुरानी का व्यय और नई का उत्पाद किस धर्म के कारण? अनित्य धर्म के कारण। क्लियर हो गया? सरल एकदम बिल्कुल, और चिंता नहीं करना भी वो सरल होगा। तो अभी तक अपन ने दो धर्म युगलों की चर्चा की थी, उसमें पहला कौन सा था? नित्य और अनित्य। दूसरा कौन सा था? सत और असत। बराबर। आज एक मिनट में दो और बताकर पर इनकी छुट्टी करेंगे पहली परिभाषा की। दूसरा था सत और असत। तो जीव अपने से है, ये सत धर्म भी मेरे में है, और मैं शरीर कर्म कसाय से नहीं हूँ, यह अजीब से नहीं हूँ, ये असत धर्म भी मेरे में है। तो सत और असत, मैं स्वयं से अस्थि रूप हूँ और पर से नास्ती हूँ। जैसे अपन एग्जांपल में समझे, अभी मैं अमित हूँ, मैं हर्षित नहीं हूँ, मैं पंकज भाई नहीं हूँ, मैं सुद्धात्म भैया नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं अपने से सत हूँ पर से असत हूँ। दृष्टांत समझ में आया? और दूसरा दृष्टांत लो, शक्कर अपने से है और नींबू नमक पानी से नहीं है। ये दोनों धर्म किस में है? शक्कर में ही है, उसी वस्तु में, सत भी और असत भी। पक्का हुआ? दो धर्म युगल हो गए, नित्य अनित्य, सत और असत। इनके अपन ने प्रैक्टिकल भी देख लिए, फायदे भी देख लिए, सब देख लिए चार पांच दिन में। अब दो धर्म युगल और लिखो, ये मुख्य है, भेद और अभेद। ये धर्म आत्मा में है। सुभाष चाचा जी, कौन सा? भेद और अभेद। भेद धर्म से क्या होता है? भेद धर्म है और अभेद धर्म है। एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, ये भेद हो रहा है ना, ये भेद धर्म, भेद। और मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, अखंड, ये क्या हो गया? ये अभेद है। समझ में आया? भेद और अभेद, ये क्षेत्र का बोल हो गया, भेद और अभेद।
भारत कितने हैं? एक है, अभेद है ना, पूरा अखंड भारत, ये अभेद के रूप में देखना भी, क्षेत्र देखना है क्षेत्रफल से, अभेद है। सुनो, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो भारत के कितने भेद हो गए? 28 और 7 33, 28 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरी है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में ला के 28 प्रदेश है ये झारखंड। तो 28 और 7, तो भारत के कितने भेद हैं? 33। अंडमान निकोबार द्वीप देखो, हजारों किलोमीटर समुद्र में चले जाओ चले जाओ चले जाओ, और जरा अगर द्वीप आया तो ये भी भारत है। बस समझ आई, कौन है? ये भी भारत है, अभेद है वो भारत से। तो पूरा भारत अभेद, और जब भेद करो तो ये मध्य प्रदेश में काम हुआ है, ये मध्य प्रदेश की सीमा है। टीकमगढ़ से जाते हैं मानपुर, टीकमगढ़ से मानपुर, तो एक पुल पड़ता है, तो आधा पुल मध्य प्रदेश में आधा पुल उत्तर प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश तक जितने पुल की सीमा है सड़क वो बढ़िया है, और जैसे उत्तर प्रदेश की तो गड्ढे आए, अरे उत्तर प्रदेश आ गया, गाड़ी में बैठे थे आंख बंद करके, बड़ी चली जा रही है मध्य प्रदेश, और जैसे गड्ढे आए उत्तर प्रदेश। आपको पता नहीं है, ब्रिज के इस तरफ शहर का थाना और ब्रिज के उस तरफ देहात थाना, यदि ब्रिज के इस तरफ कोई घटना हुई और देहात थाने वाले पुलिस वाले हैं तो वो कहेंगे हमारा केस नहीं है, ये शहर कोतवाली का केस है, ये देहात थाने वाले। बोलो ऐसी सीमा होती है? नहीं होती ऐसी सीमांकन। तो विदिशा में ही भेद है, एक लाइन के ई पार एक लाइन के ऊ पार नहीं है। बस समझ में आई नहीं आई कुछ? ऐसे ये लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा 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 होती है ना पूरी विदिशा लोकसभा, तो ऐसा सिरोंज विदिशा जिले की तहसील है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र है रायगढ़। गजब हो गया, राजगढ़ गजब है। सुषमा स्वराज वहां पहुंच जाए चुनाव प्रचार करने, ए मैडम अपने क्षेत्र में जाओ। रायसेन अलग जिला है लेकिन विदिशा लोकसभा क्षेत्र में आता है, विदिशा रायसेन मिला के एक लोकसभा क्षेत्र है, एक सीट है, एक सांसद। बात समझ आ रही? क्या कहना है? भेद और अभेद क्षेत्र से, ऐसे एक एक प्रदेश देखेंगे आत्मा का तो आत्मा भेद रूप है, और पूरा देखेंगे तो उंगली उंगली है, लेकिन उंगली ही पूरा मैं ही हूं, नहीं आई समझ में? ऐसा भेद और अभेद, ये परस्पर विरुद्ध धर्म युगल पाए जाते हैं। और एक और लिख लो बस, एक और अनेक, वस्तु में दो धर्म पाए जाते हैं, कौन कौन से? एक और अनेक। तो मैं एक जीव हूं, कौन सा धर्म है ये? एक। और सुनो, मैं एक जीव हूं, एक हूं मैं एक धर्म के कारण, लेकिन अनेक धर्म भी आत्मा में, अनेक धर्म से मैं ज्ञान गुण वाला हूं, मैं श्रद्धा गुण वाला हूं, ये अनंत गुणों के भेद, ये अनेकपना। अब यह भेद मतलब वो गुण देखना, क्षेत्र नहीं देखना, भेद करना। भेद का जो प्रयोग है वो कई तरह से किया जाता है। डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है? मैं एक हूं और अनेक हूं। अभी चिंता नहीं करना, पर दृष्टांत देंगे, एक हूं और अनेक हूं। एक हूं मतलब एक जीव हूं मैं, यहां कितनी इकाई है? एक जीव हूं, एक जीव वस्तु हूं, एक जीव पदार्थ हूं, तो एक। और सुनो, मैं ज्ञान गुण वाला, मैं श्रद्धा गुण वाला, मैं चायत गुण वाला, मैं जीव शक्ति वाला, ये क्या हो गया? अनेक। पक्का? अब देखो, अनेक का दूसरा प्रयोग, मैं जीव हूं ये एक, और मैं द्रव्य वाला हूं
गुण वाला हूँ, पर्याय वाला हूँ, प्रदेश वाला हूँ, क्या हो गया ये अनेक। तो एक भी हूँ और अनेक भी हूँ। तो एक धर्म के कारण एक यूनिट और अनेक धर्म से उसमें वस्तु में ही अनेक प्रकारता है। क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा स्वरूप है। तो इस तरह से वस्तु में अभी एंगल क्या चल रहा है कि परस्पर विरुद्ध धर्म युगल रहने वाले धर्म युगल पाए जाते हैं। तो अपन ने कितने ले लिए? चार। पहला कौन सा जोड़ा था? नित्य अनित्य। दूसरा सत असत। तीसरा भेद अभेद। चौथा एक अनेक। क्लियर हो गया? ये चार मुख्य है, चार। और इनसे पूरी वस्तु की व्यवस्था बनी है, सत असत से बनी है। मैं अपने रूप रहता हूं पर रूप है, ये सत असत से बनी है। मैं स्थिर रहता हूं और प्रति समय परिणमन भी होता है, इससे व्यवस्था बनी है। नित्य नित्य से, एक अनेक से बनी है। मैं एक हूँ और एक होकर भी अनेक हूँ। द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, अनंत गुण है। यदि ऐसा नहीं होता तो एक ही रह जाता बस। समझ आया? तो एक धर्म भी और अनेक धर्म भी। और चौथा कौन सा था? भेद और अभेद। मैं भेद रूप भी हूँ और अभेद रूप भी हूँ। ऐसा मेरे में एक धर्म युगल है। बराबर। अब लिखिए आप अनेक कांत की दूसरी परिभाषा। ये सब डॉक्टर साहब ने लिखी है, उसका विस्तार किया है। अनेक कांत की दूसरी परिभाषा पहली हो गई अनेक प्लस अंत में। यदि अनेक का अर्थ दो करेंगे तो अंत का अर्थ होगा परस्पर विरुद्ध पाए जाने वाले धर्म युगल। ये पहला स्वरूप हुआ अनेक कांत का। दूसरा, जब हम अनेक का अर्थ अनंत करें, बोलते जाओ एक साथ, अनेक मतलब अनेक, बहुवचन हो गया ना, एक से ज्यादा, बहुत, बहुत मतलब दो हो सकते हैं, पचास हो सकते हैं, हजार हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं, अरब हो सकते हैं, खरब हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, बहुत बहुत। तो अनेक का अर्थ जब हम करेंगे अनंत, तो अंत शब्द का अर्थ होगा, अंत शब्द का अर्थ होगा गुण धर्म शक्ति। तीन चीज लिख लो, अपन इसकी चर्चा पहले कर चुके। अनेक का अर्थ जब अनंत करेंगे, संख्यावाची है ना, तो अंत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? गुण धर्म शक्ति। या दूसरा अवलिख करके, या द्रव्य गुण और पर्याय, ये सब अंत में गर्भित हो जाएंगे। अनेक वस्तु में अनेक, अनेक प्लस अंत, वस्तु अनेकांतमयी है। अनेकांतमयी है मतलब अनंत गुण वाली है, अनंत धर्म वाली है, अनंत शक्ति वाली है। इसका मतलब लिख लो, इस अनेकांत का मतलब बराबर करके, इस अनेकांत का मतलब है, रिजल्ट है, मैं अपने अनंत वैभव से संपन्न हूँ, भरा पूरा तत्व हूँ। दूसरे अनेकांत का मतलब, मेरे में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां है, असंख्यात प्रदेश है, और द्रव्य गुण पर्याय से मैं पूरा तत्व हूँ। क्लियर हुआ? अनेकांत का अर्थ क्लियर हुआ? अनेकांत का दूसरा परिभाषा क्या हुई? अनेक प्लस अंत। अनेक मतलब अनंत और अंत मतलब गुण धर्म शक्ति प्रदेश सब उसमें गर्भित हो जाएंगे। और दूसरा ऑब्लिक करके तो द्रव्य वाला हूँ, गुण वाला हूँ, पर्याय वाला हूँ। और सुनो, इस दूसरे वाले अनेकांत में यदि अपन चर्चा करें, अब समझना, ज्ञान को थोड़ा खोल के सुनना, इस अनेकांत में चर्चा करें तो लिखना, मैं शरीर कर्म वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन लेकिन अज्ञान मोह राग द्वेष मेरी ही पर्याय है, मेरा ही विकार है, नहीं है? कहां होता है अज्ञान मोह राग द्वेष? शरीर में कर्मों की जीव की पर्याय में, पाप के भाव, पुण्य के भाव, खाने के भाव, पीने के भाव, लिख लो, सम्यक दर्शन का भाव, सम्यक ज्ञान का भाव, चारित्र का भाव, वितराग का प्रकट होना, बढ़ना, मोक्ष का भाव,
किसमें होता है? जीव में ही। तो सबको मिला के वो जीव कैसा है? अनेकांतमयी वस्तु है। अब वो दादाजी को तो विस्तार नहीं चलता है, अभी तो अनेकांत शब्द का फोकस है ना, जो पढ़ाया जा रहा है अभी कि अनेकांत में क्या चर्चा है पूरी। अनेकांत मतलब द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, विशेष पर्याय है, अज्ञान की पर्याय, मोह की पर्याय, राग की पर्याय, किस में है, कौन से द्रव्य में है? जीव द्रव्य में है। डॉक्टर साहब समझ आया कि दूसरे अनेकांत में पूरा हॉल सोल सब सारी शुद्ध शुद्ध। अब आप मोक्ष मार्ग प्रकाश पढ़ोगे, कर्णालियोग पढ़ोगे, तो जीव शुद्ध शुद्ध पर्याय का पिंड है, दुखी है। तो किससे दुखी है? कि जीव अपने ही विकारी भाव से दुखी है, विभाव परिणमन से दुखी है। लिख लो, पत्नी बच्चों से नहीं, कर्मों से नहीं, कर्म के उदय से नहीं, अभी दुखी की बात कर रहे हैं। जीव को कसाय हो रही है तो कौन करा रहा है? अरे वो चाट का ठेला देखा तो मुंह में पानी आ गया, अच्छे अच्छे कपड़े देखे तो और खरीदने का मन हो गया, फिर पोस्टर देखा तो परिणाम बिगड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी चर्चा अपन अभी नए प्रैक्टिकली रूप में करेंगे। तो अनेकांत के दो मुख्य जो पारिभाषिक चीजें बताई थी पारिभाषिक रूप से, वो अपन ने चर्चा कर ली। क्लियर हो गया? दो प्रकार से अनेकांत का स्वरूप, क्लियर। अनेक प्लस अंत, अंत का अर्थ यदि दो करेंगे, अनेक का अर्थ दो करेंगे तो अंत का अर्थ होगा धर्म युगल, और अनेक कर जब अनंत करेंगे, अनेक पना करेंगे कहे तो उसका अर्थ हो जाएगा अनंत गुण धर्म शक्ति असंख्यात प्रदेश या द्रव्य गुण और पर्याय, और पर्याय में भी चेतना पर्याय भी हो जाएगी और अज्ञान पर्याय भी आ जाएगी, मोह की पर्याय भी, राग देश की पर्याय भी, समय संग ज्ञान चात प्रकट होते हैं वो भी। तो सब मिला के वस्तु का अनेकांतिक स्वभाव है। क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, अब इस दोनों परिभाषाओं को अपन एक दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर, सिकंजी तो अपन ने सबने पी है और खूब उसकी चर्चा भी सुनी है, दृष्टांत पक्का है। नींबू नमक शक्कर पानी चारों चीजें कांच के गिलास में अपन ने मिला दी, पूरी बढ़िया छान के एक बढ़िया कांच के गिलास में रखी है, ठीक है। अब उसमें एक गिलास पानी में समझ लो आप 10 ग्राम शक्कर अपन ने डाल के घोल दी है, बराबर, शक्कर घोली ना, तो लिख लो आप शक्कर अनेकांतमयी वस्तु है, दृष्टांत है ना, वो पक्का हो जाएगा। इससे पूरा स्वरूप जो अपन ने दोनों परिवार का बताई है, दृष्टांत जितना पक्का होगा क्लियर होगा, सिद्धांत भी उतना क्लियर होगा। तो अपन ये दोनों परिभाषाएं शक्कर के दृष्टांत में घटा रहे हैं, जिससे कि आपका ज्ञान एकदम यहाँ पे क्या अदृश्य चीज है वो भी आपके ज्ञान में वो विषय बन जाए। तो शक्कर में अपन अनेक प्लस अंत घटा रहे हैं, तो शक्कर में अनेकांत स्वरूप है। देखो वहीं पे नींबू है, वहीं पानी है, वहीं सब है ना, एकदम बिल्कुल एक रस हो गए वे अपने हिसाब से पूरे के पूरे। लेकिन वहां पर जो शक्कर है तो शक्कर अनेकांतमयी है। कैसे अनेकांतमयी है? शक्कर नित्य भी है और अनित्य भी है। कैसे नित्य है? कि शक्कर शक्कर बनी रहती है, शक्कर का रसगुण शक्कर का रसगुण बना रहता है, और प्रतिशत में उसमें मिठास मिठास पर्याय हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। क्लियर? तो नित्य और अनित्य किसमें है? धर्म शक्कर में। तो शक्कर नित्य भी है और अनित्य भी है। कैसे बोलो, कैसे नित्य है शक्कर, अनित्य कैसे है? क्योंकि शक्कर में शक्कर वस्तु और उसका रस गुण स्पर्श गुण वर्ण गुण आदि कैसे है? नित्य है, एक रूप रहते हैं, और प्रतिशत में उसमें क्या परिणमन चल रहा है? मिठास मिठास मिठास, बराबर। इससे अपन समझ लो, अभी पर्यावरण नहीं प्रति समय, तो नित्य और अनित्य दोनों धर्म है, और उससे पर्याय भी है और द्रव भी है। द्रव नित्य है और पर्याय अनित्य। क्लियर हो गया? शक्कर में एक पना भी है और अनेक पना भी है कि नहीं? शक्कर एक है,
लेकिन द्रव है, रस गुण है, मिठास पर्याय है, तो कितने पने हो गए? अनेक पने हो गए, बराबर एक और अनेक। क्लियर हो गया? शक्कर में भेद अभेद, शक्कर है ना शक्कर, तो पूरे गिलास में एक एक प्रदेश देखें तो शक्कर है कि नहीं, एक एक प्रदेश पर ये भेद, और पूरे गिलास के आकार रूप शक्कर का आकार है कि नहीं, अखंड आकार। अरे बोलो कहां मिठास नहीं है, कहां शक्कर नहीं है, पूरे गिलास के प्रदेशों के आकार, तो ये अभेद, भेद और अभेद। क्लियर? अब कौन सा रह गया? एक और अनेक, सत्य और असत रह गया। सत्य असत, शक्कर शक्कर से है और नमक से है, नींबू से है, कभी नींबू नींबू शक्कर बन जाएगा, शक्कर नींबू बन जाएगी, खटास मिठास बन जाएगी, लिख लो ये पर्याय में सत असत, पर्याय में सत असत, मिठास कभी खटास नहीं बनेगी, खटास कभी मिठास नहीं बनेगी, द्रव में भी सत असत धर्म और पर्याय में भी नहीं, चर्चा है थोड़ी सी, द्रव में द्रव रूप सत धर्म और पर्याय में पर्याय रूप सत धर्म, जीव जीव रहता है पुद्गल नहीं होता, ये द्रव्यों से भिन्नता, और ज्ञान स्वभाव रहता है काला गोरा नहीं होता, ये पर्यायों से भिन्नता सत सत। क्लियर? क्लियर? यहाँ पे जो मेरा ज्ञान है वो ज्ञान है कि काला गोरा है? ज्ञान ज्ञान है, काला गोरा नहीं है। तो ज्ञान ज्ञान से सत और काले गोरे से असत, शक्कर में घट गए चारों धर्म। अब देखो दूसरी परिभाषा शक्कर में, और आनंद आएगा शक्कर का वैभव। शक्कर एक वस्तु है, अब दूसरी परिभाषा अप्लाई कर रहे हैं, शक्कर एक वस्तु है कि नहीं, वो कैसी है? वो अनंत धर्ममय है, अनंत गुणमय है, अनंत पर्यायमय है, उसके अपने प्रदेश है कि नहीं, पूरा वैभव अनेकांतमय है शक्कर भी। कैसे? शक्कर है और शक्कर में स्पर्श गुण, वर्ण गुण, रस गुण, अस्तित्व शक्ति, वस्तु शक्ति है कि नहीं, नित्य धर्म, अनित्य धर्म, त्यागोपादन शून्यत्व शक्ति है कि नहीं शक्कर में। देखो शक्कर अपने वैभव से वैभववान है, और प्रतिशत में उसमें मीठी पर्याय हो रही है, रंग सफेद रंग की पर्याय हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही, ठंडे गर्म की पर्याय हो रही है, तो ऐसी अनंत पर्याय भी प्रति समय हो रही है। तो शक्कर भी द्रव्य गुण पर्याय से शक्तियों से शोभायमान अनेकांतमयी वस्तु है। कब है? 10 ग्राम शक्कर पानी में घुली है और 100 ग्राम नमक डाल के घोल दिया तो शक्कर का क्या होगा? शक्कर के अनेकांत स्वभाव का सत्ता सुरक्षित रहेगी, बस लिख लो। ऐसे ही इस देह रूपी देवालय में 8 कर्मों के बीच में और कसायों की कीचड़ के बीच में मेरा चैतन्य कमल खिला हुआ है, अपने वैभव से वैभववान है, शक्तियों का संग्रहालय क्यों है? क्योंकि मैं अनेकांत स्वरूप हूं। यह भेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान, ऐसी वस्तु अपने ज्ञान में दिख रही है। बोलो शक्कर कैसी दिख रही है? अब जो अपन ने शक्कर के स्वरूप का ज्ञान कराया तो शक्कर दिख रही, दिख रही ऐसी कैसी? अपने वैभव से वैभववान है। बोलो बस ऐसे ही मैं भी जीव हूं, अनादि अनंत हूं, अनंत गुणों से मंडित हूं, शक्तियों से भरा पूरा हूं, अपने धर्मों से शोभायमान हूं, मैं नित्य भी हूं और अनित्य भी हूं, एक भी हूं और अनेक भी हूं, सत भी हूं और असत भी हूं, हूं कि नहीं? द्रव्य भी है, अनंत गुण भी है और अनंत है पर्याय भी है, असंख्यात प्रदेश भी है, ऐसी अनेकांतमयी वस्तु, अनेकांत में तत्व बताती स्याद वाद में जिन वाणी, मंगल में शुद्धात्म दिखाती नए प्रमाण से जिन वाणी, मंगल में शुद्धात्म बताती। क्लियर हुआ अनेकांत का स्वरूप?
कितनी परिभाषा हो गई? दो। अनेकांत की कितनी परिभाषा हो गई? दो। इस तरह से ये अनेकांत स्वरूप है वस्तु का, और इस अनेकांत स्वरूप को बताने वाली जिनवाणी भी अनेकांत मई है, और हम जिनवाणी को नमस्कार करते हैं। वो केवल ज्ञान भी अनेकांत मई है, दिव्य ध्वनि भी अनेकांत मई है, ये जिनवाणी भी अनेकांत मई है, और जो ज्ञान इस जिनवाणी को जानता है तो वो ज्ञान भी अनेकांत मई होता है, और वो अनेकांत मई ज्ञान अपने अनेकांत स्वरूप को जानता है कि मैं ऐसा हूं, पढ़कर सुनकर निर्णय करके अनुभव करके। एकांत के सारे आग्रह उसमें से नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। क्लियर हुआ? अनेकांत मतलब भरा पूरा, ऐसा नहीं है अकेला हूं मैं घर में, है सब मेरा खानदान, मेरा परिवार। कौन सा परिवार है अपना? ये मेरा ऐसा परिवार है जो कभी भी बिखरता नहीं है, जिसमें कभी भी क्या नहीं होता, बंटवारा नहीं होता, अलग घर में रहने की बात नहीं। ऐसा मेरा परिवार है। अब ऐसा परिवार तो देखे नहीं, वो खून के रिश्ते देखे, तो खून क्यों नहीं हो इसका? हर पर्याय में खून होता है, नहीं होता? हर पर्याय में क्यों होता है? वे नहीं सुन रहे, वे बिगड़ गए, उनने ऐसी कह रही, अबे चले गए, अबे बीमार हो गए, अबे हमारी नहीं सुन रहे, क्या होता है ये? प्रति समय दुख उत्पन्न होता है। लिख लो, दुख उत्पन्न होना ही आत्मा का खून है, आत्मघात है, आत्महत्या है, जिसे भाव मरण कहते हैं शब्दों में, जिनवाणी में। यो भाव मरण या भाव कर्म सदियों से चल रहा है। दुख उत्पन्न होना ही भाव मरण है। लिख लो, आत्मा का तो कभी मरण होता ही नहीं है। दुख उत्पन्न होना किसके लक्ष्य से होता है? अनेकांत की चर्चा आज भी अधूरी है, क्योंकि जो हमें इसके प्रैक्टिकली साइड बताना थे, कुछ मर्म भरे और ऊपर तक पहुंचना अनेकांत में चार पांच तरह से, वो अपन पूरी चर्चा कल पौन घंटे में करेंगे। अनेकांत का स्वरूप बहुत गजब का है, बहुत गजब का। तो भगन लगे, उठन लगे, पेन रखा लगे, डायरिया बंद होने लगी, ग्रंथ बंद होने लगे। अब हमने तो अगर 9:30 बजे अब प्रवचन चालू हुए तो 9:55 से 8:55 से, और अब कितने मिनट भाई अब 43 मिनट भाई अब पूरे 48 ही नहीं भाई। मतलब तुम लोगों को आने की जल्दी नहीं रहती और जाने की रहती है, ये तुम्हारा कैसा अनेकांत है? कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक ही नाम की दो ट्रेन इस तरफ जाने वाली उस तरफ जाने वाली एक समय में आती है। एक बबीना स्टेशन है, नाम सुना होगा, बबीना कैंट ललितपुर के आगे झांसी के पहले, तो वहां पे दोनों तरफ की पंजाब मेल लगभग 12:30-1 बजे का टाइम है, इस तरफ जाने वाली उस तरफ जाने वाली भी। अब गांव को कोई व्यक्ति पहली बार बोला, साहब हमें दिल्ली जाना है, कौन सी ट्रेन से? बोले पंजाब मेल से। बस टिकट ले लो, चले जाओ, पंजाब में लाई गई है। अब जाना था दिल्ली, और एक नंबर प्लेटफार्म तो शहर की तरफ आई है वहां पे, अरे आ गई पंजाब में लाओ, दौड़ के टिकट लेके और चढ़ गया, पड़ गया। चलो भैया कछु नहीं, चले जा रहे हैं, खाते पीते मस्ती करते, फिर अगल बगल वालों से नीचे ऊपर वालों से दोस्ती हो जाती है। तो वो सो रहा ऊपर वाली सीट पे और एक नीचे वाली सीट पे सो रहा। क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो मुंबई जा रहा हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बोले क्या अनेकांत है, ऊपर वाली सीट मुंबई, नीचे वाली दिल्ली। है अनेकांत देखी नहीं? बोले वाह यार देखो। तो भैया अनेकांत मतलब ऐसा फुरड़ीवाद नहीं है, कल बताएंगे ये कि सारी चीजें प्रयोग, बहुत मस्त चर्चा है।
अनेकांत के जो प्रैक्टिकली रूप बताएंगे वेद विज्ञान के, फिर कैसे गलती चलती है अपनी, कि कैसे उसके स्यादवाद के कथन होते हैं। अरे आत्मा को मूर्ति कहा क्या कहते हैं, आत्मा को पत्नी बच्चों वाला कहते हैं, तो ये कैसे कथन होते हैं स्यादवाद में नयों से, ये सारा रहस्य कल आपको खोलेंगे। ठीक है, तो कल सब लोग कितने बजे आएंगे? बराबर। तो अनेक कांत की अपन ने आज दो परिभाषाएं कंप्लीट की, बराबर। दोनों परिभाषाएं ख्याल में होना चाहिए, और ख्याल में मतलब भले याद ना हो लेकिन ये भाव आसन तो कैसा नित्य नित्य अनेक रूप स्वरूप है, मैं अनंत गुण धर्म शक्तियों वाला हूँ, अपने से सुहाय मानू, ऐसी भाव आसन, ये आपका काम हो गया। भले ही आप ये गद्दी पर नहीं बैठ पाओ, किसी को नहीं समझा पाओ, लेकिन आपकी मुक्ति तो पक्की है इस स्वरूप समझ के। और इसमें भी पूरी ताकत अपन अब कल लगाएंगे। तैयार सब? निजी निधि निज में बता।